हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हरमीत। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आज है 27 जनवरी। तो 27 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराने हम आए हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बन पाया है आज की डेट में। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? टांग अड़ाना का मुहावरा पूछा था। टांग अड़ाना का मुहावरा क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? कनिष्क का विलोम पूछा था। कनिष्क का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, देखिए राज्यपाल गवर्नर ये सब आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। एक क्वेश्चन था साइंस से, पादप कोशिका से रिलेटेड था। क्या क्वेश्चन था? पादप कोशिका, जैसे कि स्टूडेंट अभी बता रहे थे, पादप कोशिका कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था विष्णु का पर्यायवाची पूछा था। विष्णु का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन था करणम मलेश्वरी ओलंपिक खेल से रिलेटेड क्वेश्चन था। ओलंपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं करणम मलेश्वरी। ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा था, संविधान से अनुच्छेद 76 पूछा था आर्टिकल। आर्टिकल 76। और नेक्स्ट क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ का डांस कौन सा नहीं है, उसमें दिया था तीन चार डांस दे दिया था, उसमें पूछा था इसमें से कौन सा डांस नहीं है। ठीक है, तीन डांस थे छत्तीसगढ़ के, एक डांस उसमें नहीं था। छत्तीसगढ़ का कौन सा डांस इसमें नहीं है? देखिए इसमें नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। आप पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा लास्ट तक, है या नहीं है। बस क्वेश्चन पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का डांस, नीचे आ जाएंगे देखते हैं डांस एक मिल ही जाएगा, जो मिलता रहेगा। नहीं वाले नहीं जाते हैं तो गलती हो जाएगा उनका। छत्तीसगढ़ का डांस कौन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है रिलेटेड से। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन था कुचिपुड़ी से संबंधित है, चार दिया था, एक बाकी स्टेट था कुचिपुड़ी, चार राज्य था उसमें से कई दिए थे, नीति दिए थे, पूछा था कि कुचिपुड़ी किस राज्य से रिलेटेड है। ठीक है, कुचिपुड़ी से संबंधित क्वेश्चन आया था। आप नित्य लोक नित्य इसको फेस्टिवल वगैरह देख के जाइए, कुचिपुड़ी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाथी का पर्यायवाची पूछा था। हाथी का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन था अमृत का पर्यायवाची पूछा था। अमृत का पर्यायवाची हिंदी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा के उपचुनाव कौन है, देखिए
उपचुनाव क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बन रहा है, तो आप उपचुनाव क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। त्रिपुरा के उपचुनाव कौन है, त्रिपुरा के उपचुनाव कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेरा बेटा सुबह टहलने जाता है, उसमें त्रुटियां थी। मेरा बेटा टहलने जाता है, मेरी टहलने जाता है, जाती है करके त्रुटियां था, उसमें से चार में से कोई एक छाटना था, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपत्ति का विलोम था, ठीक है, आपत्ति का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चांद पर थूकना, ये मुहावरे क्वेश्चन था, चांद पर थूकना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कनाडा की राजधानी दिया था, कनाडा की राजधानी पूछा था। देखिए पंचवर्षीय क्वेश्चन से भी क्वेश्चन था, तीसरी पंचवर्षीय से रिलेटेड क्वेश्चन था, तीसरी पंचवर्षीय से रिलेटेड क्वेश्चन था, तीसरी पंचवर्षीय योजना, योजना से क्वेश्चन बन रहे हैं, नियुक्ति से बन रहे हैं। देखिए वानिकी दिवस पूछा था, वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है। एक क्वेश्चन था, इंदौर बंदरगाह कहाँ पे है? इंदौर बंदरगाह कहाँ है? बंदरगाह से क्वेश्चन देखिए बनने लगे हैं, इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? एक क्वेश्चन था, शरद कमल किससे संबंधित है? शरद कमल किससे संबंधित है? अब आते हैं देखिए आगे क्वेश्चन पे, देखिए रीजनिंग पे आते हैं, देखिए आप इतना देख लिए होंगे, अब रीजनिंग मैथ पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, हर जिस जहाँ से कि हर टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे देखिए रीजनिंग में क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आ रहा है, दो क्वेश्चन है, अल्फाबेट से क्वेश्चन है, और देखिए बैठ की व्यवस्था, सर्किल क्वेश्चन जो श्योर है, गोला वाला जो वृत्त होता है, वृत्त के तरफ मुंह करके बैठे हैं, इससे दो क्वेश्चन आ ही रहा है, गोले वाले क्वेश्चन से, गोले क्रम में बैठने का। गोले क्रम में बैठने का क्वेश्चन आ ही रहा है देखिए, और इसको काउंटिंग फिगर आ रहा है, काउंटिंग फिगर्स कितने क्वेश्चन है? काउंटिंग फिगर्स क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना? एक या दो क्वेश्चन। और मिरर इमेज से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ये जितना हम लिख रहे हैं वहां क्वेश्चन श्योर पूछा जा रहा है, ठीक है। मिरर क्वेश्चन से भी एक या दो क्वेश्चन बने, कोई शिफ्ट में एक क्वेश्चन, कोई शिफ्ट में दो क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए श्रेणी से, श्रेणी तो क्वेश्चन लगातार आ रहा है, जैसे कि अंक वाला होता है, किसी में स्क्वायर हो रहा है, किसी में एक जोड़ा जा रहा है, किसी में तीन जोड़ा जा रहा है, श्रेणी से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। और देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, जो होते हैं माता पिता वाले क्वेश्चन उससे बन रहे हैं, ब्लड रिलेशन से।
जैसे किसी को और इशारा करता हुआ, इशारे वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें, ठीक। जैसे कि कोई फोटो को और इशारा करते हुए कहता है कि इसकी इसकी बुआ की माता के, इससे रिलेटेड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं मैथ में, देखिए मैथ में देखिए, समानुपात अनुपात से क्वेश्चन बन रहे हैं, अनुपात समानुपात से एकदम श्योर क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, एकदम क्वेश्चन वहां से आ ही रहा है, समानुपात से क्वेश्चन फिक्स है, आपको एक या दो क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, ठीक। और देखिए परसेंटेज से क्वेश्चन था, एकदम हूबहू मिला है। देखिए उसका दिया था वो वैध वाले से क्वेश्चन दिया था, बोट वाले से, देखिए वैध वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था और अवैध दिया हुआ था, अवैध दिया हुआ था, अवैध कितना था क्वेश्चन में, 20% अवैध था। और कुल देखिए कुल वोट कितना था, कुल वोट था आपका 5600, इसमें क्या निकालना था, वैध मत, ठीक। अवैध दिया था 20%, कुल मत इतना है, कुल टोटल वोट इतना है, तो आप वैध मत बताइए। और एक क्वेश्चन था आपका यहाँ से प्रॉफिट लॉस से, 8800 रुपया विक्रय मूल्य था और 10% का लाभ था, 25% हानि, तो प्रतिशत लाभ बताइए, प्रतिशत लाभ बताइए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। हाँ, और हम आपको क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पे रीजनिंग में, देखिए एक और क्वेश्चन था यहाँ पे रीजनिंग में, रीजनिंग में क्वेश्चन था 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 23 जनवरी 2010 को सोमवार है, तो 19 जन तो क्या हो जाएगा, 23 जनवरी 1981 को कौन सा दिन था, ठीक। तो फ्रेंड्स लोग, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाए होंगे जितना हमको क्वेश्चन मिला पूरा बता दिए, तो प्लीज मेरा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट में, आल क्वेश्चन आपको बताएंगे, जितने क्वेश्चन पूछे गए हूबहू सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।